हाँ जी प्रधान जी की हाल चाल सारे के वधिया ने चढ़ती कला ही रहना चाहिए। तो स्वागत है थोड़े अपने भाई के यूट्यूब चैनल से। तो अज भाई सानू हैगी छुट्टी, तो असी जाना मैंगो हैपर मार्केट जो कि मॉल हैगा, तो थानू दसते हैं उतने थोड़े समान लेना है। तो आप पिछे तुम देख ही सकते हो मेरी बिल्डिंग भी हैगी है। आप चले तो थोड़ा जहाँ पहले ए टी एम जाना है, ए टी एम से कैश भी लाना है, तो फिर उसके बाद चलते हैं जी। भाई साहब ये रही कुवैत की डबल टैंकर बस। तो भाई थोड़ी दूर जाना पड़ेगा हमें एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए। तो भाई ये रहा है वो अल्तजारी का एटीएम है और ये केआईबी का एटीएम है। तो भाई अगर आपका अल्तजारी का मतलब कार्ड है ना, अगर आप केआईबी में पैसे निकलवाओगे तो भाई 100 फीस एक्स्ट्रा लगता है क्योंकि ये अनदर है, और जो हमारा कार्ड है वो अल्तजारी का बना हुआ है। तो अब अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, तो इसमें चलते हैं। तो भाई ये निकलवाए 5-7 रुपये 7 रुपये भाई ये कुवैत के दिनार जो कि इंडिया के भाई 1700-1800 करीब बन जाते हैं। ये 3 नोट 1700-1800 रुपये के है, 5 रुपये का और एक दिनार का है। 2 दिनार ये हो गए और 5 दिनार ये हो गए जो ग्रीन कलर का ये है। तो चलो चलते हैं आगे। अभी हम जाएंगे मैंगो हाइपर मार्केट जो कि सामने से रास्ता गया, तो इसी रास्ते से हम जाएंगे। तो भाई यहाँ का मतलब एक दिनार है ना जो इंडिया का 270 रुपये के करीब हो जाता है एक दिनार। यहाँ का मतलब 1 रुपया मान के चलो, तो 1 रुपये में भाई 1000 फिल्स होता है, ठीक है भाई। तो 1000 फिल्स में 1 रुपया बनता है मतलब यहाँ का दिनार। तो उस हिसाब से इंडिया के हिसाब से देखे जाए तो इधर का 1 रुपया तो इंडिया का 270 के करीब पहुँच जाता है। और यहाँ भाई 20 रुपये से ऊपर बड़ा नोट नहीं है, वो भी मैं आपको या नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा 20 रुपये का नोट कैसा होता है। तो अभी चलते हैं हम मैंगो। तो भाई हम पहुँच ही गए मैंगो, और भाई गर्मी इतनी है ना पूछो मत भाई। अभी 10 बजे हैं सुबह के और यहाँ का टेम्परेचर जो 37-38 टेम्परेचर हो चुका है। और भाई ये रहा मैंगो मार्ट। तो भाई अभी हम तो रहे हैं इमली क्योंकि भाई आज रूम पे छुट्टी है, तो गोल गप्पे बनाएंगे हम पानी पूरी। तो देखते हैं यहाँ पे आपको हर एक प्रकार के मसाले मिल जाते हैं। भाई इमली किधर है मालूम है? बस बादू का 2 पैकेट चकला है फिर। 2 पैकेट चकला नहीं, एक चकला बड़ा था वो तो। नहीं ये 2 पैकेट चक लेना, एक तो हूँ पी जाना, बाकी फिर दिख रहा बाद छोटे छोटे ले लो दो। बस चावल तो है चावल। तो 245 है भाई। ये जो है सामान यहाँ पे लगेगा इसके ऊपर रेट बिल वो भाई लगा रहे हैं। शैम्पू 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 क्या करना सब बनाए इन्हें पैदा में बिची ना ना आते फड़ के रखते हैं और तो सामान और भी कहना सका कुछ लेना बस ये इत नेटवर्क ही नहीं है। और दूध एक ओही चार वाला केड़ा ओही अलमरा जी ला आहा इने इत्थे रख दवा अंडे ये रेड बुल आ देखे किना क्या क्या रेट लगे इदा एक 550 एक 550 ਦੇ ਦੇ 550
पीने नो क्या लेना होना कुछ कुछ तो पी लो मैं तो पेप्सी रहनी फिर एक मैं कहना चकी लो ये सेवन अप गर्मी बहुत है जूस चकी लो उपरे ते सेवन अप और तो नहीं है वही कुछ लेने वाला बिस्किट भाई ये डले हुए हैं बिस्किट फ्रेश मिल्क दही ये भी दही और लस्सी तो भाई ये है मैंगो मार्केट तो भाई अभी बिल करा लेते हैं तो भाई ये ले लिया आपके भाई ने सामान अभी जाना है रूम पे और भाई बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी गर्मी बहुत है तो अभी हम जाएंगे भाई अभी हम जा रहे हैं रूम पे गर्मी बहुत है और टाइम जो हो गया है 11 बज गए हैं भाई और रूम में जाके अभी बनाएंगे पानी पूरी तो गर्मी तो बहुत है और वहाँ पर बैठ के हमने भाई पी थी पेप्सी क्योंकि गर्मी बहुत थी तो भाई तकरीबन हम पहुंच गए अपनी बिल्डिंग के पास आप देख सकते हो बो रही हमारी बिल्डिंग भाई गर्मी बहुत है इसके जो गेट है वो फ्रंट साइड है दूसरी साइड जाना पड़ेगा हमें तो हम बैक साइड से आए थे क्योंकि यहाँ से नज़दीक पड़ जाता है तो इसलिए तो अभी चलते हैं और भाई ये हवा बहुत चल रही है तो इसलिए पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है तो ये कंपनी की एम्बुलेंस है और यहाँ से हम एंटर करेंगे भाई हवा बहुत तेज़ चल रही है पता नहीं आवाज़ आ रही साफ कि नहीं आ रही तो पहुंच गए हैं रूम में ये वाले भाई हमारा सामान चेक करेंगे उधर ही आ जाओ भाई साहब बैठ के चेक करो ये भाई साहब सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ के बिल्डिंग में सब ये देख रेख करते हैं तो सामान चेक करेंगे उसके बाद बोलेंगे कि जाओ अगर आप चाहते हो इनका भी ब्लॉग आपको पता लगे कि क्या ड्यूटी है तो कमेंट करके बताना और भाई साहब का मैं ब्लॉग बना दूँगा नेक्स्ट वीडियो में